हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 पियर्सन का चैप्टर 3 रेशियो यूनिट्स एप्लीकेशन का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 15 तक सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 एंड x आर इन प्रोपोर्शन देन x इक्वल टू 1। हमें फाइंड करना है ये ट्रू है या फॉल्स। सो 1:2 इज इन प्रोपोर्शन टू 3:x। 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2:3। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होता है। 1:x इज x, 2:3 इज 6, सो x आएगा 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 1, तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ 3 पेंस इज ₹30, देन कॉस्ट ऑफ 2 पेंस इज ₹20। 3 पेंस का कॉस्ट है ₹30, सो 1 पेन जो होगा वो होगा ₹30/3, आगे ₹10। सो जो 2 पेन्स होगा वो होगा ₹10 × 2। ₹10 × 2 इज इक्वल टू ₹20। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट। Our next statement is, if 3 persons can construct x chairs in 6 days, then 6 persons can construct x chairs in 4 days. 3 persons 6 days mein x chairs ko construct kar rahe hain. To ek person jo hai wo 6 × 3 days mein complete karega. Ye ho jayega 18. तो 6 persons जो होगा वो 18/6 हो जाएगा 3। सो 6 persons को लगेगा 3 days complete करने में, यहाँ लिखा है 4 days, तो ये statement हो जाएगा false। Next statement is, if SP is equal to ₹22 and CP is equal to ₹18, then profit is ₹4. Profit is equal to SP - CP। प्रॉफिट है वहाँ पर, अभी उसे छोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP है ₹22 - CP 18। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹4। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Let's move on to our next question. Our next statement is, if CP is equal to ₹100 and SP is equal to ₹80, then loss is equal to ₹20. Loss is equal to CP - SP. So loss is equal to CP is ₹100 - ₹80. So loss is equal to ₹20. So this statement is true. Let's move on to our next question. Our next question is, fill in the blanks. Number 6. If interest on rupees X for 2 years at R% per annum is ₹80, then interest on rupees 2X for 1 year at R% PA is. Simple interest is equal to principal rupees x into rate r into time 2/100, ऐसा ही गिवन है 80, ये हो जाएगा 50। सो 80 इज इक्वल टू xr/50। ये हो गया फर्स्ट अमाउंट का। नेक्स्ट है देन इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 2x, सो इसका ऐसा ही नहीं पता, इज इक्वल टू 2x इंटू रेट इज r इंटू 1/100, सो 2 × 50, SI इज इक्वल टू xr/50।
एक्स आर बाई 50 जो है वो 80 रुपीज़ के बराबर है, तो ये जो ऐसा ही होगा वो भी होगा रुपीज़ 80। सो आवर आंसर इज रुपीज़ 80। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। परसेंट मीन्स, परसेंट का मतलब होता है पर 100। सो हमारा आंसर होगा पर 100। नेक्स्ट, कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 3:4 इज। कंपाउंड रेशियो फाइंड करने के लिए जितने रेशियोज होते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं इंटू 3:4 को 3/4। ये 3 और 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स में। सो 1/2, 1/2 को 1:2 लिखते हैं। सो कंपाउंड रेशियो होगा 1:2। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ 2:50 एंड 3:75 इज। सबसे पहले रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि जो यूनिट है वो सेम हो जाए। 2 रुपीज़ मतलब 200 पैसे प्लस 50 पैसे इज 250 पैसे। रेशियो फाइन करना है बाई 375 पैसे। अब रेशियो फाइन करना है 25 times 10, 25 × 15। नेक्स्ट 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। 2/3 को 2:3 लिखते हैं तो हमारा आंसर होगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 23, 24, 28, 29 इज। एवरेज फाइंड करना है तो पहले 23 + 24 + 28 + 29 करेंगे और उसे बाई 4 करेंगे इज इक्वल टू 104/4 26। सो आवर आंसर इज 26। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 9:11। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 18 देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज। नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो 9:11। सो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है 9 पार्ट है, तो टोटल 9 पार्ट जो है वो बॉयज़ का है और वो 9 पार्ट जो है वो 18 है, तो उसका एक पार्ट जो होगा वो 18/9 होगा, 18/9। तो एक पार्ट हो गया 2, एक पार्ट निकल गया 2। देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करना, नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करने के लिए हमें एक पार्ट का पता चल गया वो है 2 × टोटल पार्ट से गर्ल का 11, यहाँ दिया है नंबर ऑफ़ गर्ल्स का 11। सो मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 22। सो आवर आंसर इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 and 8 इज। अगर एक रेशियो है a:b और वो प्रपोर्शन में है c:d के, तो ये b और c जो है वो मीन प्रपोर्शन है। मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है मतलब 2, यहाँ पर बीच में नहीं पता इसलिए उसे x ले लेते हैं, और यहाँ भी x = 8। मीन प्रपोर्शन नहीं पता इसलिए ये दोनों को x रखते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है 8 × 2 इज इक्वल टू x × x² 8 × 2 = 16 इज इक्वल टू x². सो x इज इक्वल टू √16, √16 इज 4। सो आवर आंसर इज 4। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50% ऑफ 50 इज। 50% को 50/100 लिखते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ 50 लिखा है तो यहाँ पर 50, सो ये 0 कट जाएगा, 5 × 2 और 2 से 50 आता है 25 बार में, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 25। इफ 25% ऑफ x इज इक्वल टू 100 देन x इज इक्वल टू 25% ऑफ x। सो ये हो जाएगा 25/100 ऑफ x इज इक्वल टू 100। फाइंड करना है x 25/100। 25 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ 4 डिवीजन में है, तो डिवीजन से वो जब इक्वलिटी को उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 × 4। सो x इज इक्वल टू 400। ये हमारा हो जाएगा आंसर 400। नेक्स्ट, a ratio b इज इक्वल टू 2:3
and B ratio C is equal to 3 ratio 4, then A ratio C is. यहाँ A ratio B को A by B लिख सकते हैं, A by B दिया हुआ है 2 by 3, और B by C जो है, B ratio C, वो दिया हुआ है 3 by 4. यहाँ पर जब अगर ये वाला इक्वेशन जो है और ये वाला इक्वेशन जो है जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ देखिए यहाँ पर b डिनोमिनेटर है, यहाँ पर न्यूमरेटर है, तो b कट जाएगा और हमें फाइंड करना है a रेशियो c, मतलब a बाई c, ऊपर a और नीचे c बचेगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. a बाई b इंटू b बाई c इज इक्वल टू, अब ये लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा, सो 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 4. नाउ b और b कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a बाई c. a बाई c को a रेशियो c लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा और 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई 2, ये हो जाएगा 1 रेशियो 2, हमारा आंसर हो जाएगा 1 रेशियो 2. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. Thank you. Subscribe, please.